एक प्रश्न जो आपने किया था उसका उत्तर इस कथा में चल रहा है, नंदीवन। जो प्रश्न आपने तीसरा करा है उसका उत्तर इस कथा में चल रहा है कि आप कहते हो कि मंदिर से जाते समय नंदी के कानों में कहकर चले जाओ। बैठिए 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 बैठिए, बहुत सुंदर प्रश्न है आपके, बहुत भाव से और आनंद से आपने करा, और जनमानस के कल्याण के प्रश्न है ये, केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए इतने जोरदार प्रश्न है। जो गलती भी करते होंगे तो उसको सुधार सकते हैं। आपने कहा कि नंदी के कानों में कहना चाहिए, लोग हंसते हैं, कहते हैं बताओ नंदी के कानों में भगवान को कहना चाहिए। वैसे तो हम आपको एक बात बता दें कि दुनिया के लोग किसी दूसरे धर्म की कभी हंसी नहीं उड़ाते, दुनिया के लोगों को दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। दुनिया के लोग सबसे ज्यादा हंसी उड़ाते हैं तो हमारे सनातन धर्म की ही उड़ाते हैं, और जी खुद उड़ाते हैं, दूसरा उड़ाने वाला नहीं होता। दूर के ढोल हमें समझ में आते हैं, उसका धर्म हमें समझ में आ गया, उनका क्या है ऐसा है, आओ कुछ नहीं उनके धर्म में ऐसा है, कितना आनंद हमें दूसरे के धर्म में लग रहा है, और हमारा सनातन धर्म हमको बुरा लगता है, हमारे सनातन धर्म हमें बुरा लगने लगा। अरे भाई, लोग कहते हैं कि नंदी के कान में कहते हो, ये कोई हमारे पुराणों में या शास्त्रों में लिखा है? भगवती बहन साहू, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बात कहना चाहूंगा, जितनी भी शिव महापुराण के अंतर्गत चाहे उपाय जो बताए जाते हैं कि बेलपत्री ऐसे चढ़ाना, काली मिर्च ऐसे चढ़ाना, चावल ऐसे चढ़ाना, धतूरा का क्या महत्व है, शमी के पत्ते का क्या महत्व है, बेलपत्री के पत्ते का क्या महत्व है, ये जितनी भी बातें बताई जाती हैं ये सब पुराण के अंतर्गत से बताई जाती है। अब दुनिया के लोग इसको चाहे टोटका कह दें, चाहे दुनिया के लोग इसे टोना कह दें, पर पुराण से हटकर कुछ नहीं। और आप लोगों को अगर बोला है कि नंदी के कान में कहकर भगवान शंकर के मन में बात पहुंचे, तो ये क्यों कहा? तो ये भी हमारी शिव महापुराण में लिखा है, जलंधर के चरित्र में। कोई आपसे कहे कि नंदी के कान में बोलने से क्या होता है, ये जलंधर का चरित्र कह रहा है। मां पार्वती जी का हस्त कमल पकड़कर जलंधर लेकर जाने लगा। वृंदा का पति लेकर जा रहा, वृंदा तो भगवान की भक्ति में लीन रहती थी, उसको तो जलंधर को सबसे ज्यादा तकलीफ थी नारायण से, पर शिव के पास आ गया क्योंकि ईर्षा प्रवृत्ति। अभी कथा में कहा, कोई कोई ऐसा होता है जिसको तुमसे बेर नहीं होता तो भी अंदर से ईर्षा जाग जाती है, कोई कोई ऐसा होगा जिसको अंदर से ईर्षा जागती है, अपने आप अंदर से ईर्षा जागती है, उसका कोई भेद नहीं, और ईर्षा जाग भीतर से ईर्षा जाग, ना आप उससे मिले हो ना कभी वो आप उसके सामने बैठे हो। कई लोग किसी ना किसी की बुराई करते हैं तो हम लोग पूछ भी लेते हैं, क्यों साहब उनसे मिलकर आए हो क्या तुम? कभी नहीं मिल किया है, कभी उनका सामना हुआ नहीं हुआ, तो फिर बुराई क्यों कर रहा? एक ने कर दी थी इसलिए हमारे ध्यान में था तो हमने भी कर दी। लो वो कुआं में डूब के मरेगा तो तू भी मरेगा का? नहीं सा। नंदी सामने बैठा है, गणेश जी को मालूम पड़ गया, कार्तिकेय को मालूम पड़ गया, मां पार्वती जी का हस्त कमल जलंधर ने पकड़ लिया और लेकर चला, मालूम पड़ गया नहीं रहा गया। गणेश जी को क्रोध आ गया और गणेश जी महाराज आए, शिव जी को जगाने लगे, पिताजी 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 कर कर जगाया, उठो पिताजी पिताजी उठिए पिताजी जागिए, पिता को जगा रहे। भगवान शंकर नहीं उठे, तप में लीन थे,
क्या करें हम, जलंधर के पास में इतना बल है, इतना बल है, और पिता की आज्ञा नहीं होगी तो हम कैसे मार देंगे इसको। मारने को तुम मार ले, माँ ने आज्ञा करी थी कि जलंधर उसको तारकासुर को मार दो, तो कार्तिकेय ने तारकासुर को मार दिया। शिवजी की आज्ञा नहीं तो हम इसको कैसे मारें, क्या करें। सब कुछ गणेश जी ने देख लिया, शंकर जी के ऊपर बहुत 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 प्रार्थना कर कर देख ली, पर शंकर जी नहीं जागे। तब आखिरी में विनायक ने, गणेश ने, जितनी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इस बात को याद रखना कि नंदी के कान में कहने से क्या होता है, वो ये इस कथा से सीख लेना। आखिरी में गणेश जी को लगा किसको कहूँ, शंकर जी भी तप में है, नंदी भी तप में है, मैं किसको कहूँ। शिव जी को कह के कर थक गया, पिताजी को बोल बोल कर थक गया, पिताजी जागते नहीं, अब मैं किसको कहूं ये बात, किससे कहूं। विनायक गए सीधे अब नंदी के पास में, नंदी भी तप में लीन थे, शंकर जी की ओर मुख था, शंकर जी की ओर मुख था। गए और जाकर तुरंत विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कहा, नंदीश्वर मैया का हाथ पकड़कर जलंधर लेकर जा रहा है, पिताजी तप में लीन है, कृपा करिए ना। बस केवल नंदी के कान में कहा, गणेश जी दूर हट गए, नंदी के कान में कहा, शंकर जी के नेत्र खुल गए, शिव जी के नेत्र खुल गए। ध्यान देना जरा, इस शिव महापुराण की, आशुतोष शिव महापुराण की कथा, जो कथा यहाँ कही जा रही है, ये कथा पहले के चरित्रों में सुनने को नहीं मिली होगी। जरा ध्यान देना इस संवाद पर, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं। सनातन धर्म की हंसी उड़ाने वाले कह देते हैं, नंदी के कान में कहने से क्या होता है, नंदी के सामने जाकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर बोलने से क्या होता है, नंदी के पास बैठकर शंकर जी का मात्र दीदार करने से क्या होता है, दर्शन करने से क्या होता है, वो अच्छे से समझ लेना। जो लोग सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते हैं, वो अच्छे से समझ ले इस बात को। क्या होता है, नंदी तप में लीन, शिवजी तप में लीन, शिव नहीं उठ रहे, विनायक ने नंदी के कानों में जाकर कर दिया, नंदी के कान में जाकर कहा, नंदी के नेत्र नहीं खुले, नेत्र किसके खुले, जम के बोलो, महादेव के खुले हैं, शिव जी के खुले हैं। ये मन का तार, नंदी शंकर की आराधना कर रहे थे, शिव अपनी भक्ति में डूबे थे, यहाँ कहा यहाँ पहुंचा, जो दिल में था उस तक बात पहुंच गई। नंदी के दिल में शिव थे, तुम कहे नंदी ने शंकर तक बात पहुंचा दी, वो सूत्र जो बंधा था दिल से दिल तक का पहुंच गया, वो सूत्र जो दिल से दिल तक बंधा हुआ था, मन से बंधा हुआ था, खबर वहां तक पहुंच गई।